कबीर सर के साथ पहली बार आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे सर? I was in the safest hands. I think मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है जिस तरीके से पहले साजिद सर के साथ मेरा सत्य प्रेम की कथा मैंने फिल्म की थी इनके साथ, और इतने बड़े तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी फिल्मों को पैशनेट तरीके से वो प्यार करते हैं, तो मैंने वो तब से उनको अपनी फिल्मों से प्यार करते हुए देखा पर्सनली. एंड द वे ही शार्ड लव ऑन चंदू चैम्पियन, जिस तरीके से उन्होंने इस फिल्म को इतने पैशन प्रोजेक्ट बनाया अपना, आई थिंक नो वन एल्स कुड हैव डन दैट जो साजिद सर ने किया है इस चंदू चैम्पियन के साथ. सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू सर फॉर दिस. एंड कबीर सर के साथ देयर वाज दिस थिंग, जब आई ऑलवेज वांटेड टू कोलैबोरेट विद सर, आई वांटेड टू वर्क अंडर हिज डायरेक्शन. हम सब इनके काम के फैन हैं. सो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी जब ये फिल्म ये स्टोरी जिसमें आई डोंट थिंक सो मुझे कोई भी यू नो सोच पाता कि मैं ये स्टोरी कर रहूँगा या कर पाऊँगा, जो इन्होंने सोचा. एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी आर हियर एंड वी आर गिविंग दिस, यू नो वी आर लॉन्चिंग द ट्रेलर हियर. एंड आई एम जस्ट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. आई डोंट नो, आई वाज जस्ट इन सेफ हैंड्स विद कबीर सर. ही वाज जस्ट एट इट. ही इज समवन हूज मेटिकुलसली प्लानिंग अबाउट एवरीथिंग. हर चीज़ इनके बारे में जितनी चीज़ें बोलूँ कम है, बट आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई गॉट अ चांस, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम. व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग व्हेन यू वर टोल्ड अबाउट दिस जेंटलमैन, जिनकी वो पहली चीज़ क्या आई थी दिमाग में, जिनके ऊपर पेटकर साहब की जिंदगी के ऊपर ये फिल्म है, और जब ये आपको बताया गया? मैं बहुत एक्चुअली मैं जब मुझे पहली बार ये फिल्म के बारे में बताया, इनकी स्टोरी के बारे में बताया सर ने, जब नरेशन दिया, तब मैंने इनसे पहली बार यही सवाल पूछा था, क्या ये सच में ऐसा हुआ है या ये फिक्शनल है? बिकॉज इनकी स्टोरी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न है और इतने हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं जो किसी की लाइफ में होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. तो मैं शॉक में था जब मैंने पहली बार ये नरेशन लिया था सर से. बट टू माई सरप्राइज एवरीथिंग वॉज जस्ट you know his life instances, and they were reality, they were big moments which you see in the movie. But yeah, so I was just amazed. And main sach bataun to pehle ek aadh mahina main thoda skeptical bhi tha. Maine ha to bol diya tha ki Kabir sir aur Sajid sir ke pyar mein, kyunki main ye karna chahta hu. Aur fir lekin mujhe dar bhi laga bahut ki kya main kar paunga. Roz gym ja raha hu, khana nahi kha raha hu, picture dusri nahi kar raha hu, सिर्फ एक ही पिक्चर, डेढ़ साल यही पिक्चर है. मैं रोबोट बन गया था, मशीन बन गया था. एंड आई वाज जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर्स फ्रॉम देम. एंड हियर वी आर. कबीर सर टॉकिंग अबाउट हिज फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आप ही ने करवाया और व्रत भी आप ही ने तोड़वाया. दैट वीडियो इज एवरीवेयर, चार रसमलाई खिला रहे. हाउ प्राउड आर यू ऑफ द फैक्ट कि भाई उन्होंने उतना 100% तो, देयर इज नो गेन विदाउट पेन. सो यहाँ पे अगर खड़ा हूँ, यहाँ पे इतनी अच्छी पिक्चर लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, तो इसमें भी बहुत पेन गया है, बहुत बहुत स्ट्रेंथ लगी है, और काफ़ी सैक्रिफाइसेस लगे, विच आई एम प्राउड ऑफ. सो हेल्पलेसनेस आती है, बट यू हैव टू टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. कार्तिक हाय, राइट इन कार्तिक, आपके राइट में रेखा खान नवभारत टाइम से. जी मैम. आपके लेफ्ट में, लेफ्ट में, मतलब एकदम आपने मंत्र मुग्ध कर दिया है. कबीर सर, कार्तिक जी, साजिद जी, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी शुभकामनाएं. कार्तिक, आपसे मेरा सवाल है कि हम दुनिया भर में कितनी भी शोहरत हासिल कर लें, लेकिन हमें अपनी ज़मीन पर एक वो चाहिए होता है, वैलिडेशन तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन शाबाशी अपनी ज़मीन से चाहिए होती है. तो ये मोमेंट आपके लिए कैसा है? ग्वालियर में हैं आप, अपने शहर में हैं, यहीं से मतलब जो है आपकी एक जर्नी शुरू हुई है, यहाँ पर एक इस तरह की एक बहुत ही प्रेरणादायक फिल्म लेकर आना, तो इस वक्त आपका मानसिक हाल क्या है, कैसा फील कर रहे हैं आप? मैम, मुझे एक्चुअली लगता है कि ये मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू है, कि जिस तरीके से यहाँ पे एक फुल सर्कल है मेरी लाइफ का, कि जहाँ से शुरुआत की थी, ड्रीम किया था एक्टर बनने का, वहीं पे चंदू चैम्पियन को लेकर आ रहा हूँ, जो हमारी बहुत ही स्पेशल और आई थिंक मेरी लाइफ की सबसे
प्राउडेस्ट फिल्म होगी है। तो मेरे लिए ड्रीम है कि यहाँ पे हम ये कर रहे हैं और अपने होम टाउन में इसका ट्रेलर लॉन्च कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मतलब मेरी जो मेंटली मुझे कैसा फील हो रहा है आई डोंट नो, आई मीन आई एम काफ़ी कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में एंड बस मैं आई थिंक द शो मस्ट मूव ऑन एंड आई एम जस्ट लकी दैट आप सब यहाँ पे आके हम सबके साथ इस ट्रेलर लॉन्च में जुड़े और इतनी सराहना आप कर रहे हैं। कबीर जी, आपसे मेरा सवाल है कि ये फिल्म कहते हैं कि हर दौर में एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है युवाओं को या यूथ को या देश को, तो ये किस तरह से और किस तरीके से लोगों को एक इंस्पायर करेगी? आई थिंक एक जो नेवर गिव अप वाला जो एक जज्बा होता है कि कुछ भी हो आप फिर खड़े होते हैं और लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, चाहे कितने भी टाइम आप गिरे आप हर बारी उठते हैं और लड़ते हैं, वो एक जज्बा जो है वो मुल्लिकार पेटकर की कहानी से ज़्यादा कहीं आपको मिल नहीं सकता। बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है, बहुत ही एंगेजिंग कहानी है, बहुत ही एंटरटेनिंग कहानी है और ऐसी एक कहानी है कि मतलब सुनते ही मुझे लगा कि यार ये पिक्चर नहीं बनाए तो फिर क्या बनाया, और आई एम श्योर जब आप लोग देखेंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ। हम जब ये मिलने गए थे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इसको घर पे, तो शायद ये थोकला और फाफड़ा खा रहा था और वहाँ से हम लोगों ने ये कसम सत्य प्रेम पे भी आई वॉज कीपिंग अ चेक दैट ही डजंट ईट एनीथिंग एंड ही हैज बीन अ ग्रेट स्टूडेंट एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ ऑल द पीपल ऑफ ग्वालियर, थैंक यू वेरी मच। सो कॉन्टेंट ड्रिवन सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा, इन दोनों की मैरिज की अगर बात करूँ वो आपको बखूबी आता है एंड यहाँ पे वही देखने को मिल रहा है। अभी नाडिया वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूँ आगे सर क्या विजन है, क्या होने वाला है? बस दुआ कर रहे हैं मालिक की हर फिल्म हमारी फ्राइडे को ही डिसाइड करती है हमारा आगे की जिंदगी कैसी चलेगी, सो वी डोंट डिसाइड एनीथिंग अदर देन फ्राइडे। आई एम श्योर सर बहुत कमाल होने वाला है। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। 14 जून को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बहुत सारा इंस्पिरेशन है, बड़ी सारी।